खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 1400 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सदस्यता से इस्तीफा दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा गंभीर आरोप भी लगाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऊपर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के यूथ विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के 1400 कार्यकर्ताओं ने जम्मू में सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में एनएसयूआई के महासचिव और उपाध्यक्ष, जिला मीडिया समन्वयक और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऊपर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा, विंग की सदस्यता के लिए प्रति सदस्य 100 रुपए का भुगतान किया लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई चुनाव नहीं कराया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एनएसयूआई के इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर इस बात की शिकायत भी की। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे खत में आरोप लगाया कि उनके साथ सदस्यता के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इन सब में एनएसयूआई हाईकमान को भी निशाने पर लिया गया। एनएसयूआई वर्कर्स का कहना है कि उनकी फीस भी ले ली गई और 2.5 साल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा गया कि आला अधिकारियों से इस बारे में शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर फूट और कलह सार्वजनिक तौर पर सामने आई। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे 23 वरिष्ठ नेताओं ने बीते साल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस बात की शिकायत की थी कि पार्टी की शीर्ष लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है। हालांकि पार्टी का एक हिस्सा इस विरोध से इनकार करता रहा और उसका कहना है कि राहुल गांधी के नाम पर पार्टी एकजुट है। बहरहाल इस साल कांग्रेस के लिए 5 चुनौतियां हैं, यानी 5 राज्यों में चुनाव। उससे पहले ये बड़ा झटका जम्मू से कांग्रेस के लिए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।